अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? जनाब, नई अथॉरिटी के साथ हाजिर खिदमत हैं। नोटिस का जवाब जो नहीं आया था, और ये होते हैं ना, नोटिस करवाते हैं जिसमें प्रोसेस सर्वर की तरफ से जवाब आता है, बैक साइड के ऊपर लिखा होता है कि ये मैं नोटिस लेके गया और ये घर एड्रेस नहीं मिला, या जो भी उसमें सूरत हाल होती है, ये वसूल करवा आया है, तमील हो गई है वगैरह वगैरह। वो नोटिस का जवाब नहीं आया था, और जो था उसमें जो ADTCS वगैरह करवाया था उसमें भी बैक साइड पे जो कार्ड था वो केस में जो अटैच नहीं किया गया था। अब अक्सर केसेस में जो है वो देखा गया है कि हम लोग जो है कोर्ट में क्या करते हैं कि जी केस फाइल करते हैं, उसके बाद नोटिस होते हैं, लेकिन नोटिस का जवाब आए ना आए हम उसे फौरी तौर पे यक तरफ़ा डिग्री करवाने का सोचते हैं, चलें जी यक तरफ़ा डिग्री हो जाए जल्दी से जल्दी। तो ज़ेर नज़र केस जो है रिट पटिशन में जो चैलेंज किया गया था कि केस था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसमें क्या हुआ कि यक तरफ़ा डिग्री हो गया, और डिग्री होने के बाद दूसरी पार्टी को पता चला तो वो उन्होंने 12-2 की एप्लीकेशन दे के कोर्ट के ऑर्डर जो थे यक तरफ़ा डिग्री के उनको सेट असाइड करने की एप्लीकेशन कोर्ट में जमा करवाई। ये है कि जो पटिशनर रिट करनंदा ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उसमें बताया कि उसकी रहायश टोबा टेक सिंह में है, और जो केस जो फाइल किया गया था वो फैसलाबाद में था, और उसको किसी किस्म के कोई नोटिस नहीं मिले जिसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका। और उसने बताया कि मतलब अपनी सूरत हाल सारी बताई, और कोर्ट ने आर्डर जो थे उसके यक तरफ़ा डिग्री के कैंसिल कर दिए ट्रायल कोर्ट ने, जिसके बाद क्या होता है कि जो मदई था उसने अपील की एपलेट कोर्ट में, और एपलेट कोर्ट ने जो है जो कैंसिल रिलेशन हुई थी सेट असाइड हुई थी डिग्री उसको दोबारा बहाल कर दिया। और उसके बाद क्या होता है जी कि ये अपने आप को ग्रीव समझते हुए इन्होंने रिट पटिशन फाइल की हाई कोर्ट के सामने, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो केस में करार दिया कि अब इसमें मौक़िफ़ उनका ये था जो कि मुद्दा ले था केस में, उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था जनाब के मदई ने, जो मदई था ना केस का, उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि हमने ये एड्रेस जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त था, जिसकी और जो ये नहीं हो सकता कि इस बंदे को नोटिस वसूल ना दिए हुए हों कि एड्रेस सही है तो इसके ऊपर नोटिस ज़रूर पहुँचे होंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो करार दिया कि नोटिस का जवाब नहीं आया था, और ना ही जो है ADTCS की जो होती है कार्ड वो जमा करवाया गया था, और जिसकी वजह से जो है जो फैसला था वो सेट असाइड कर दिया गया, और जो यक तरफ़ा डिग्री थी वो सेट असाइड हो गई, जिसका नए सिरे से दोबारा से उसका ट्रायल शुरू हो गया। तो ये रिट पटिशन में इस प्रोसेस को पूरे तरीके से बताया गया है, सेक्शन कौन कौन से सेक्शन इस पे अप्लाई होते हैं, और इसमें किस तरीके से आप लोग कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, इसमें जवाब आना ADTCS और इसकी रसीदात जमा करवाना और अखबार इश्तहार, ये सारा कुछ मैटर करता है अगर डिग्री को कैंसिल ये सेट असाइड करवाना हो तो। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफा हो। तो इस तरह से हम शेयर करते रहते हैं कि जनाब ये नई रिट पटिशन है लेटेस्ट, और इसमें ये है कि दूसरी भी जो है वो कोर्ट किए गए हैं फैसले जो कि आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।